नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में। इस वक्त हम मौजूद हैं करेरा विधानसभा क्षेत्र में और अभी तक हम आपको लगभग 10 विधानसभा चुनावों का डाटा दिखा चुके हैं। इस बार हम करेरा विधानसभा में पहुंचे हैं जहां पर पिछली बार कांग्रेस के विधायक बनी थी। इससे पहले भी यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा के लिए इस विधानसभा सीट को जीतना एक कड़ी चुनौती मानी जा रही है। मेरे साथ में इस समय फिलहाल करेरा विधानसभा क्षेत्र के मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता तथा मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री दर्जे जसवंत यादव जी हैं, जिनसे हम आज बातचीत करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहला चुनाव मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, इस कड़ी में विधानसभा चुनाव 2023 में क्या माहौल है इस बार करेरा विधानसभा का? करेरा विधानसभा का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीब कल्याण की लोक कल्याणकारी योजना चलाई है, उन योजनाओं को लेकर के प्रदेश की और मेरे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ऐसा मैं मानता हूँ। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने कई योजना चलाई है, लाली बहना वगैरह अलग अलग तरह की, कांग्रेस भी योजनाओं की घोषणा कर रही है, इस पर क्या असर पड़ेगा चुनाव में? देख रही कांग्रेस के ये ख्याली पुलाव है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना कांग्रेस के पास कोई नेता है, ना कांग्रेस की कोई नीयत है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज देश प्रगति कर रहा है, देश विकास कर रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। आज विश्व पटल पर हम कहां से कहां पहुंचे, आज हमने चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण किया है, आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी और हमारे देश के वैज्ञानिकों की सफलता है। तो आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश की जनता को विश्वास है, प्रदेश की जनता को विश्वास है। करेरा विधानसभा क्षेत्र में तमाम, चाहे लाली बहना योजना हो, चाहे लाली लक्ष्मी योजना, तमाम योजनाओं को लेकर क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है, उत्साहित है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। करेरा विधानसभा में आप पहले विधायक रहे हैं, अभी मंत्री आप दर्जे आपका, तो प्रमुख समस्या रही थी शौचालय वगैरह, वर्तमान में भाजपा की सरकार और समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है, क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और हमारे केंद्रीय नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमंत सिंधिया जी का, जिन्होंने तीनों नेताओं ने मिलकर और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोनचरी अभ्यारण को यहाँ से मुक्त करके क्षेत्र की जनता को आजाद किया है। अब हमारे सोनचरी अभ्यारण क्षेत्र में विकास और प्रगति की गंगा बहेगी और वहाँ पर तमाम कार्य स्वीकृत होकर आज निर्माणाधीन है। इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व दोनों नेताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूँ और इससे हमारे क्षेत्र की प्रगति हो, विकास हो। अभी तक क्या तैयारी आपकी, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे क्या? पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित मैं चुनाव मैदान में जाने वाला ही हूँ और पूरी तैयारियां हैं। आज हमने पोलिंग से लेकर बूथ से लेकर पन्ना प्रभारी से लेकर, चाहे हमारा शक्ति केंद्र हो, चाहे हमारा सेक्टर हो, चाहे हमारा विकास मंडल स्तर पर हो, सभी प्रकार की हमने तैयारी चुनाव को लेकर के तैयार हैं। हमारे तमाम पर्यवेक्षक हों, चाहे विस्तारक हों, तमाम सभी प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए क्षेत्र की जनता के बीच में हैं और इससे हम आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजयी बना करके अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को यशस्वी बनाने का काम करेंगे। अभी हमारी टीम ने ऑनलाइन सर्वे किया था, इसी दिन करेरा विधानसभा में अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे, इसमें आपको लगभग टॉप कैंडिडेट में रखा गया था, तो आपको सर्वप्रथम स्थान मिला, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए मैं आपकी टीम को और आपके चैनल को और अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऑनलाइन सर्वे में इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता जसवंत यादव जी के बारे में नहीं जानती, हमारे माध्यम से बताना चाह रहे हैं? लगभग मेरा जीवन खुली किताब है। मैं 99 से लेकर आज जनप्रतिनिधि के रूप में आज 2023 पूरा करने जा रहा हूं। मैं जनपद सदस्य के रूप में चुना, उसके बाद मैं 2004-05 में जिला पंचायत के रूप में चुना गया, उसके बाद मैं 2011 में सिसाई संस्था के लिए चुना, 2018 में मैं भारत प्रदेश की मेरे क्षेत्र की जनता ने अभूतपूर्व समर्थन देकर मुझे विधानसभा में भेजा
तो मेरा जीवन तो खुली किताब है। मैंने सदैव लोक कल्याण और जनसेवा का कार्य किया है और सदैव ऐसी भाव लेकर के मन में ऐसी इच्छा पाल करके क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहता हूं और उनकी क्षेत्र की प्रगति और विकास में अपना हाथ बटाना चाहता हूं। अगर कुछ दोबारा अगर आपको करेरा बदलना हो तो करने का अगर मौका मिलता है, अगली बार कैसे काम करेंगे? देखिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम 50 साल के लिए अपने क्षेत्र को और प्रदेश को किस प्रकार से अपडेट कर पाए, अपने पैरों पर खड़ा कर पाए, उसके लिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र में जो भी विकास और प्रगति के कार्य होंगे उसको समिट करा करके उसको कराने का पूरा कार्य करूंगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे भूमिगत अधोसंरचना के क्षेत्र में, हम तमाम क्षेत्रों में यहाँ प्रगति विकास कराना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी लगभग अभी हमने चुनाव आयोग के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे तमाम अधिकारियों को बदल दिया है। अगर कोई इक्का दुक्का अधिकारी रह गए, अगर आप संज्ञान में लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा प्रशासन उसको बदलने का काम करेगा। फिलहाल हमारे साथ जसवंत यादव जी जो करेरा से वर्तमान में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में भी अच्छा इनको प्रभावशाली नेता माना जाता है। वही दूसरी तरफ जनता के बीच में इनके कई समर्थक ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनको अगली बार भी विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं दीपक।